बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मॉक टेस्ट 5 का बायोलॉजी का पोर्शन है। चलिए जी पहले पढ़ते हैं। ग्रुप ड्यूट्रोस्टोमेटा इंक्लूड फालम। देखिए हमने किंगडम एनिमेलिया में हमने ग्रुप पढ़े थे। एक हमारे पास था प्रोटोजोम और एक थे ड्यूट्रोसोम। प्रोटोजोम क्या आते हैं, उनमें प्रोटोजोम में क्या होता है, उनका जो ब्लास्टोफेयर है ना, ब्लास्टोफोर जो वो डेवलप होता था आपके पास माउथ में। मतलब कि क्या इसकी क्या बात हुई कि मतलब कि वो माउथ से ही अपने मुंह से ही खाना खाएंगे और मुंह से ही एक्सक्रीशन करेंगे। वो हमारे पास प्रोटोजोम होते थे। और ड्यूट्रोजोम हमारे पास क्या कहलाते थे, जिनमें हमारे पास माउथ और एनस दोनों डेवलप होते हैं, यानी कि माउथ से खाएंगे और एनस से एक्सक्रीशन करेंगे। तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है ग्रुप ड्यूट्रोस्टोमेटा इंक्लूड्स फाइलम। उसमें कौन कौन से फाइलम होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, एनेलिडा या बोथ ए एंड बी। तो आपके पास सिर्फ वो दो फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा और एक फाइलम कॉर्डेटा। ये दोनों हमारे पास क्या है, ड्यूट्रोस्टोमेटा। बाकी सारे आपके पास क्या है, प्रोटोजोम्स हैं, प्रोटोजोम्स हैं। तो आपके पास सिर्फ दो फाइलम हैं जो कि ड्यूट्रोजोम है। जैसे कॉर्डेटा में हम आते हैं, हम माउथ से खाते हैं और एक्सक्रीशन हमारी एनस से होती है। और इकाइनोडर्म्स में भी यही है, आप स्टारफिश देख लें तो अपने माउथ से खाएगी और उसके पास एनस भी होता है, तो एनस से वो एक्सक्रीशन करेगी। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, पिस्टल इज़ द पार्ट ऑफ। तो मैं आपको एक डायग्राम से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। देखिए मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखाता हूँ। ये आपका, दिस वॉट योर फ्लावर, सही है। उसके बाद ये इसकी क्या आ गई, अंदर ओवरी, ये ओवरी नहीं है, अभी पहले पूरा बन जा फिर मैं आपको बता दूँ। तो ये देखिए, ये फिर उसके बाद ये, फिर अंदर ये, एक दो तीन चार। ये बस आपके समझने के लिए इजी हो जाएगा। देखें ये आपके पास फ्लावर है, तो उसके बाद हम इसके पार्ट स्टडी करते हैं। देखें ये आपका जो पार्ट है ना, दिस इज़ व्हाट, ये कहलाता है पेटल। अगर आपको ऐसे डायग्राम से पूछे तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, पेटल। और उसके बाद आपका ये कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है सीपल। दिस पार्ट इज़ व्हाट, ये पेटल है, ये सीपल है। उसके बाद आपका ये कहलाता है एंथर, एंथर। और इसकी ये नीचे वाली डंडी कहलाती है फिलेमेंट। एंथर और फिलेमेंट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास स्टेमिन बनाते हैं, स्टेमिन। अब बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। देखिए ये हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, ये हमारा है स्टिग्मा। इसके नीचे वाला क्या है, स्टाइल। फिर ये गोल गोल क्या है, ओवरी। और इसके अंदर ये अंडा क्या है, ये आपके पास क्या है, ओव्यूल। तो ये आपके पास क्या में बनाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, स्टिग्मा बनाते हैं, सॉरी स्टिग्मा नहीं, पिस्टल इज द पार्ट ऑफ। यही तो आपका क्वेश्चन था ना, ये आपके पास क्या बनाते हैं, पिस्टल। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, पिस्टल ये आपके पास बनाते हैं, जिसको हम पिस्टल इज द पार्ट ऑफ। तो ये आपको इसको कार्पल भी कहते हैं, इसको हम कार्पल भी कहते हैं, पिस्टल बोलें या कार्पल बोलें तो एक ही बात है। ये चार पार्ट्स मिलके आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल मिलके पिस्टल आपका बनाते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिपनिमा पैलिडम कॉसिस। ट्रिपनिमा पैलिडम आपके पास क्या करता है, गिनोरिया करता है, सिफिलिस करता है, जेनाइटल हर्ब, जेनाइटल नहीं है, जेनाइटल हर्ब्स एड्स। तो ट्रिपनिमा पैलिडम आपके पास सिफिलिस का डिजीज़ करता है। बाकी गिनोरिया कौन सा करता है, नाइजीरिया गिनोरिया, जेनाइटल हर्ब्स, हर्ब्स सिंप्लेक्स और एड्स, एचआईवी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन किस में, लेबोरेटरी, डेजर्ट, लेक, एरेटिक सोल्यूशन। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक वो साइंस होती है जिसमें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट को एरेटिक सोल्यूशन में ग्रो करें, तो ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ। लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, एटम से, सेल से, ऑर्गेनली या वाटर से। तो ये याद रखिएगा, लाइफ जो आपकी स्टार्ट होती है एक सेल के लेवल से स्टार्ट होती है, सेलुलर लेवल से लाइफ की आगाज़ हुई है, तो ऑप्शन बी। उसके बाद सिक्स पढ़ते हैं द साइकिल इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट डज नॉट टेक प्लेस। देखिए हमने वायरस में पढ़ा था, उसमें दो साइकिल है वायरस की, बैक्टीरियोफेज की हमने दो साइकिल पढ़ी थी। तो उसमें हमने देखा था कि एक थी लाइटिक साइकिल और एक हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या थी, हमारे पास जो होस्ट था उसकी डिस्ट्रक्शन होती थी,
लेकिन हमारे पास लाइसोजेनिक जो साइकिल थी उसमें हमारे पास होस्ट की डिस्ट्रक्शन नहीं होती थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल लाइक प्रोटेक्टिस। एनिमल लाइक प्रोटेक्टिस आपके पास क्या है, अल्जेई। अल्जेई क्या है आपके पास, प्लांट लाइक है। प्रिमिटिक फंजाई क्या है, फंजाई लाइक। प्रोटोजोआ क्या है, ये आपके पास क्या है, एनिमल लाइक प्रोटेक्टिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन अल्वा द वन विथ क्रोमोजोम इज कॉल्ड। तो ये आपका ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है। देखिए अल्वा में आपके पास दो तरह के मतलब के होते हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गेमिटोफाइट। तो आप उसमें देख लें, जो सबसे पहले आपके पास जो होगा, जिसके पास 26 क्रोमोजोम होंगे उसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे, और जिसके पास हमारे पास 13 क्रोमोजोम होंगे उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन ही आपके गलत है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही आपका आधा है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं पायरेनॉइड स्टोर्स। देखिए आपने पायरेनॉइड के बारे में पढ़ा होता है, यूग्लिना में पढ़ा होगा, यूग्लिना जब आप पढ़ते हैं तो यूग्लिना में क्या था, पायरेनॉइड एक वो आपके पास एक तरह का स्ट्रक्चर था, और वो क्या करता था, स्टार्च को स्टोर करता था, स्टार्च को स्टोर करता था। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा, पायरेनॉइड क्या करेगा, स्टोर्स स्टार्च, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं मलेरिया इज कॉज बाय द बाइट ऑफ। मलेरिया किससे होता है, किसकी बाइट से, मेल एनाफ्लेस, फीमेल एनाफ्लेस। अब एनाफ्लेस क्या है, ये आपके पास मच्छर है ना, उसकी एक टाइप है, मच्छर की एक टाइप है। तो हमारे पास फीमेल एनाफ्लेस मस्कीटो होती है, तो वो काटती है, उसकी बाइट से क्या होता है, आपको मलेरिया हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड। फंगस की बॉडी हमारे पास कहलाती है माइसीलियम, और उसी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। और ऑप्शन बी में ह्यूमस, आपने सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पढ़ा होगा, तो वो जिस सॉइल से अपना खाना वगैरह लेते हैं, अपनी जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो उस सॉइल को ह्यूमस कहते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड। न्यूक्लियस की फ्यूजन को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस की फ्यूजन को कहते हैं कैरियोगैमी। और अगर हम साइटोप्लाज्म की फ्यूजन की बात करें तो वो क्या कहलाती है, प्लास्मोगैमी। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स क्या हैं, वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। तो ये याद रखिए क्या, ब्रायोफाइट्स आपके पास क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। क्यों नॉन वेस्कुलर है, क्योंकि इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, ऑप्शन ए। और अगर आपके पास वेस्कुलर प्लांट की बात करें तो वो कौन से होंगे, ट्रेक्योफाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले जो लैंड पे आए थे वो हमारे पास क्या आते हैं, रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे, मैन थे या कैंगरू। तो आपके पास एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स जो आपके पास हैं, एम्फीबियंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्मोन नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा से आपके पास कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ऑल ऑफ दिस। तो आपके पास आपका जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन को भी सिक्रेट करेगा, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट नहीं करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, आपको पता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, जो कि खुद रेप्लिकेशन कर रहे हैं, वो कौन सा है, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद अपना एक डीएनए होता है जिससे वो अपनी रेप्लिकेशन कर लेता है, ऑप्शन डी। 17 बढ़ते हैं थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। बॉडी के थर्मोस्टैट को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस ग्लैंड या गोनड्स। देखिए हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का वो पार्ट है जिसके पास क्या है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, उसको हम थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी कहते हैं। उसको क्या होता है कि हीट को स्विच ऑन कर ले या स्विच ऑफ कर दे, यानी कि हीट लॉस करनी है या हीट कंजर्व मैकेनिज्म, हीट लॉस और हीट कंजर्व मैकेनिज्म। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी। तो हाइपोथैलेमस ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वाइट सेल, मसल सेल, रेड सेल या न्यूरॉन। तो ये हमारे पास कौन से हैं, रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं,
तो ये बात ये है कि इनमें हमारे पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्यों इस वजह से नहीं होता क्या कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर जमा हो सके। तो इस वजह से रेड ब्लड सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये कौन सा सेल है? नॉन न्यूक्लेटेड सेल। 19 पढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड इज, यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए में पढ़ते हैं CONH2O2। ये बस किसका है? यूरिया का केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन बी में पढ़ते हैं C5O3N4H4। तो यही आपके पास क्या है? यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ऑप्शन सी में CHO, CHO क्या है आपके पास? एल्डिहाइड है। ऑप्शन बी है CWH, CWH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20, कार्डिक मसल्स आर, कार्डिक मसल क्या है? इनवॉलेंट्री है, अनस्ट्राइटेड है, वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड है, इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड, या वॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड। तो कार्डिक मसल आपको पता है क्या है? इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ही बीट्स कर सकते हैं, हम सो जाएंगे तो चलती रहती है ना कार्डिक मसल, आपके चलते रहते हैं, दिल आपका चलता रहता है, तो इनवॉलेंट्री है। और ये क्या है? स्ट्राइटेड भी है कार्डिक मसल। जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें दो खासियाँ होंगी, उसमें आपके पास स्मूथ मसल की भी खासियत होगी कि स्मूथ मसल की तरह ये लोग इनवॉलेंट्री भी हैं, और लाइक स्केलेटल मसल ये क्या है? स्ट्राइटेड भी हैं। तो ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच सिक्रीशन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। देखिए ये हमने ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने हमने तीन टाइप के ग्लैंड करे थे, उसमें क्या था? कॉपस ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो मिक्स होती है स्पर्म के साथ, तो उससे क्या बनता है? हमारे पास मेल जेनाइटल फ्लूइड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं, सीमन, या फिर उसको सेमाइनल फ्लूइड हम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और ये क्या कहता है? एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्शन इन ह्यूमन फीमेल टेक्स प्लेस। देखिए ये हमने पहले भी बात की, कॉन्सेप्शन क्या होती है? कॉन्सेप्शन मैंने आपको बताया था, जब फर्टिलाइजेशन आपकी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? कंसेप्शन कहलाती है। तो कंसेप्शन क्या होती है? वेजाइना में होती है, यूट्रस में होगी, ओविडक्ट में होगी, या ओवरी में होगी? तो ये ओवरी में नहीं होगी, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ओवरी, ओवरी में नहीं, ओवरी तो एग को रिलीज करेगी ना, एग को रिलीज करेगी, ओवरी के बाहर एक ट्यूब सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। तो वहीं पे आपकी क्या होती है? कंसेप्शन होती है, वहीं पे आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ओविडक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एबडक्टर मसल अलाउ द आर्म टू मूव। यहाँ पे क्यों रहा? क्योंकि मैं आपको डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी बॉडी है समझ लीजिए, और ये मेरा हाथ है। तो ये क्या है आपकी? मैं, दिस इज एबडक्टर। क्या हो रहा है? ये आपकी एबडक्टर है, क्या है? मूव अवे कर रहा है ना बॉडी से, मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्टर। और ये टूवर्ड्स द बॉडी क्या है? एडिक्टर्स। फिर ये फॉरवर्ड क्या है? प्रोटेक्टर। और बैकवर्ड क्या होगी? रिट्रैक्टर। तो ये याद रखिएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एबडक्टर, टूवर्ड्स द बॉडी एडिक्टर, फॉरवर्ड तो क्या होगी? प्रोटेक्टर, एंड बैकवर्ड क्या होगी? रिट्रैक्टर। यहाँ पे देखें एबडक्टर मसल का लिखा है, एबडक्टर मसल अलाउ द आर्म टू मूव। तो अभी हमने पढ़ा था कि एबडक्टर क्या करते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्टर मसल अलाउ द आर्म टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीनल वेसल लीव किडनी एट। देखिए हमने किडनी में पढ़ा था, एक पार्ट होता है पेल्विस के पास, पेल्विस के पास एक पार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है? आपके पास रीनल आर्टरीज जो हैं वो आपके पास एंटर होती हैं, और रीनल वेन्स क्या होती हैं? लीव करती हैं वहाँ से किडनी को। तो वो उस साइड को हम क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। उस साइड को क्या कहलाते हैं? हाइलस। ऑप्शन डी। 25 पढ़ते हैं, प्रेजेंट ऑफ रेमिनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल इन वेल एंड स्नेक ऑल्सो दे नेवर हैड लेग्स शोज एविडेंस फ्रॉम। देखें हमारे पास जो है वेल और स्नेक्स में हमारे पास क्या है? पेल्विक गर्डल है। देखिए हमने अपना स्केलेटन पढ़ा था, उसमें हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था, ठीक है। अब हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने पेल्विक गर्डल पढ़ा था, याद है? पेल्विक गर्डल में हमने पढ़ा था वो क्या करता है? लेग्स को अटैच करता है वर्टेब्रल कॉलम से, और कौन से जगह पे? हिप रीजन पे। हिप रीजन पे क्या करेगा? लेग्स को अटैच करेगा वर्टेब्रल कॉलम से। लेकिन इनमें क्या होता है? आपने देखा स्नेक में लेग्स नहीं होती, न वेल में लेग्स होती है। तो ये किस चीज़ की मतलब कि एविडेंस शो करें? तो हमारे पास वेस्टिजल ऑर्गन्स का, मतलब कि वो ऑर्गन जो कि आपके किसी काम के नहीं है, हैं तो आपकी बॉडी के अंदर लेकिन वो किसी काम के नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी।
उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 26 फीनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फीनोटाइपिक रेशियो सबको पता है, इजी है, 9:3:3:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स किसको कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको क्यों कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि इसमें ये होते हैं एलील्स की सेपरेशन होती है, तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, तो ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन। जीन का नॉन कोडिंग सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाता है, इंट्रॉन कहलाता है, और कोडिंग सीक्वेंस आपके पास क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। उसके बाद 29 पढ़ते हैं द एंजाइम यूज टू सील द डीएनए। देखिए वो एंजाइम जो कि डीएनए को सील करे, सील का मतलब क्या है, डीएनए को जोड़ दे, तो वो कौन सा एंजाइम है आपके पास, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो क्या करता है, डीएनए को कट करता है, तोड़ देता है। और उसके बाद लाइगेज एंजाइम है, बिल्कुल आपके पास लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए को सील करता है, ऑप्शन बी। उसके बाद 30 एमसीक्यूज हमारे लास्ट पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटेन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशी हमारे पास किसने लिखी थी, वो हमारे पास लेमार्क ने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी, वेजमैन या फादर सॉरेस। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशी बहुत हमारे पास, तो ओरिजिन ओरिजिन लिखा हुआ है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशी हमारे पास बहुत फेमस बुक है, जो हमारे पास किसने लिखी थी, डार्विन साहब ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन। अगर हम लेमार्क की बुक की बात करें तो लेमार्क ने क्या लिखी थी हमारे पास, फिजियो फिलोसफी फिलोसफी जोलॉजी क्यू, फिलोसफी जोलॉजी क्यू लेमार्क ने लिखी थी। अगर वेजमैन की बात करें तो वेजमैन ने हमें क्या दिया था, जेमिनल कंटिन्यूटी थ्योरी दी थी, जो लेमार्क के जो ऑब्जेक्शन लगी थी लेमार्क पे, उस पे उसने एक थ्योरी दी थी। अगर फादर सॉरेस की बात करें तो फादर सॉरेस ने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दी थी। उस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि जो गॉड है, जो खुदा है, अल्लाह है, उसने सारे जानवरों को और प्लांट्स को बना दिया है, और जो भी मतलब कि जिस तरह से भी ये जानवर आए, ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म में ही आए, मतलब अल्लाह ने इनको इसी तरह से बनाया है, और मतलब कि इनमें कोई एवोल्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारे बायो के एमसीक्यू सारे हो गए, तो आपको इसकी टेस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।